नमस्कार फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही आसान और सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं ये बेबी के लिए बना रही हूँ, बेबी सेट बना रही हूँ। तो ये डिज़ाइन मैंने डाली है, देखिए कैसे बनता है। ये देखिए, ऐसे तो ये आठ फंदे की डिज़ाइन है, आठ के मल्टीपल से फंदे लेनी है आपको और एक फंदा एक्स्ट्रा लेनी है, और चार सिलाइयों की डिज़ाइन है ये। तो देखिए कैसे बनते हैं। ये पहले एक उठा लिया, देखिए धागा को इस तरह अपनी तरफ लेना है। ये देखिए लेके दो फूटा बुनना है। देखिए जिसको खींच के नहीं आ रहा है उसी से बुनना है, जिसको खींच रहा है ये ऐसे वो नहीं, जिसको खींच के नहीं आ रहा है उससे बुनना है दो उल्टा, वन टू, दो उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे की तरफ खींच लिया, फिर धागा है देखिए इस तरह लानी है, इस तरह देखिए, फिर दो उल्टा। देखिए जो खींच रही हूँ नहीं आ रहा है, जो खींच रही आ रहा है इसी से, नहीं जो खींच रही हूँ नहीं आ रहा है उसी से दो उल्टा, चार उल्टा हो गया। फिर अपनी तरफ धागा करके एक उल्टा लेनी है, धागा पीछे। अब ये जो तीन सिलाई है देखिए, वन टू थ्री, थ्री सिलाइयों की तीन फंदे के बीच में, वन टू थ्री, और इसके बीच में से थ्री फंदे, थ्री सिलाइयों से ये धागा पीछे से ऐसे खींच लेना है। देखिए देखिए, फिर तीन फंदा बिन लेना है, वन टू थ्री। फिर उसी जगह से ही आपको, सेम जगह से आपको ये सिलाई लगा के फंदे उठा लेना है। देखिए इस तरह, फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके उल्टा, फिर उसी तरह देखिए इस तरह लेनी है धागा, ले ली। अब दो उल्टा, देखिए जो खींच रहे हो देखिए नहीं आ रहा है उसी से दो उल्टा, दो उल्टा बन लिया। फिर धागा पीछे तरफ खींच लिया, फिर धागा को देखिए इस तरह लेके ऐसे अपनी तरफ लाना है। देखिए फिर देखिए जो खींच के नहीं आ रहा है उसी से दो उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर धागा अपनी तरफ लाना है एक उल्टा, धागा पीछे। देखिए वन टू थ्री, ये जो तीन फंदे है देखिए, तीन फंदे इसका जो बीचों बीच का है उसमें से वन टू थ्री फंदे, उसमें से सिलाई में से सिलाई लेकर ऐसे धागा ऐसे ले लेना है। फिर तीन फंदे बिनना है, वन टू थ्री, सीधा बिन लिया। उसी सेम जगह से सिलाई को ऐसे लेके धागा को ऐसे उठा लेना है। देखिए फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, फिर धागा उस तरह ही धागा को देखिए ऐसे लेनी है। फिर देखिए जिससे नहीं, देखिए ये खींच के आ रहा है, देखिए ऐसे नहीं, जो खींच के नहीं आएगा देखिए उसी से दो उल्टा, फिर धागा पीछे तरफ खींच लिया, फिर धागा देखिए इस तरह ऐसे लेना है ऐसे, फिर उसको दो उल्टा, फिर धागा पीछे तरफ खींच लिया एक उल्टा, धागा पीछे देखिए तीन सिलाइयों से धागा उठा लिया, तीन सीधा, फिर धागा सेम जगह से ऐसे धागा उठा लिया। देखिए फिर उल्टा, धागा पैसे अपनी तरफ करके दो उल्टा, धागा खींच लेना है, फिर अपनी तरफ करके दो उल्टा, फिर धागा खींच लेना है, इसको सीधा लेना है। अब बैक साइड देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बैक साइड भी बहुत ईजी है, सब उल्टा उल्टा ही होगा। देखिए सारा उल्टा उल्टा है, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, सिक्स उल्टा हो गया। और देखिए जो आगे की तरफ ये लिया था धागा, इसको ऐसे उठा लेना है सिलाई पे, उठा के तीन उल्टा बिना, वन टू थ्री। फिर देखिए इसे जो उठाया था उसी को इसमें उठा लेके फिर बिनना है, वन टू थ्री
4, 5, 6 बीन लेना है। 6 फंदे उल्टा बीनने के बाद फिर इसको ऐसे ही उठा लेना है। देखिए जो ये उठाया था हमने, इसको उठा लेना है। फिर 3 उल्टा बीनना है, तो 3। उसके बाद देखिए इसको जो उठाया था इसको ले लिया, फिर 6 उल्टा बीनना है। बस बैक साइड यही करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। ऐसे भी ये आप हॉट प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, मैं बेबी स्वेटर में डाली हूँ अभी। ये देखिए इसको उठा लिया, 3 उल्टा बीन लिया, फिर देखिए उठा लिया, 6 उल्टा बीन लिया। 4 सिलाइयों की ये डिज़ाइन है। आप देखिए फ्रंट साइड आ गई, थर्ड लाइन है ये। थर्ड लाइन देखिए वैसे कुछ नहीं करना है, इसको इसे उठा लेनी है। और देखिए धागा को इस तरह पकड़ के ना इस तरह लेकर आएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर देखिए खींचना है, जो नहीं आ रहा है उसी से 2 उल्टा बीन लिया। फिर देखिए धागा को इस तरह लेना, इस तरह देखिए देखिए अपने अपनी हुआ हो जाएगा। आपको खींचने के जरूरत नहीं, 1, 2 बीनने उल्टा, फिर धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, धागा पीछे। ये जो है ना इसको ऐसे सीधा कर लेना, सीधा कर लिया और दोनों को एक साथ बीन लिया, फिर एक बीन लिया। ये जो है इसको ऐसे बनना है, ऐसे नहीं ऐसे बनना है, ठीक है। अब आगे से फिर आगे धागा लाना, फिर एक उल्टा देखिए ऐसे ले लिया। अब इसको खींचा, 1, 2, फिर धागा पीछे खींच लिया, फिर ऐसे ले लिया, 1, 2, धागा पीछे अपनी तरफ, धागा एक उल्टा, फिर धागा पीछे। इसको देखिए सीधा करना है, ये सीधा कर लिया, फिर इसको सीधा करना है, 1, 2 और 3, इसको ऐसे ही बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा हो गया, ऐसे धागा को लेना इस तरह, फिर 2 उल्टा, धागा खींच लिया, फिर इस तरह लेनी है, फिर 2 उल्टा, धागा खींच लेनी है अपनी तरफ, धागा एक उल्टा, धागा पीछे। इसको ऐसे करके सीधा कर लेना है, 3 उल्टा बुन लेना है, सीधा बुन लेना है, फिर इसको ऐसे बुन लेना है, ठीक है। अपनी तरफ धागा एक उल्टा, फिर इसको इस तरह लेनी है, फिर एक उल्टा हो गया, फिर धागा पीछे खींच लिया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 उल्टा, धागा खींच लिया, उसको सीधा बुन लिया। अब तो बस कुछ नहीं है, बैक साइड सारा उल्टा उल्टा बीनना है। अभी उल्टा बीन कर मैं आ रही हूँ, उल्टा सिलाई बैक साइड बीन के लेके आ गया, सीधा उल्टा उल्टा बीनना था। अब देखिए इसी डिज़ाइन बन के तैयार होते हैं। देखिए कितना सुंदर और आसान डिज़ाइन है। 4 सिलाइयों की डिज़ाइन है और 8 फंदे की डिज़ाइन है। 8 के मल्टीपल से फंदे लेना है, 1 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए आपको इसे बन के ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसे आप हॉट प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं, मैंने बेबी स्वेटर में डाली हुई है। आई होप आपको पसंद आई होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।